आज वो मेरी बाइक का हॉर्न भी नहीं पहचानेंगे। हलियासन देखा न्यू बाइक। निक्सन भाई ऑल गुड। सो अभी ये बाइक के साथ हमें चीज़ें मिली थी, जैसे ये शीशे हैं इसके। निक्सन भाई बहुत ज़्यादा प्यार से, ठीक है, इसको कहाँ पे रखना है, इसको इसको सर पे रखना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सो जनाब एक और दिन का आगाज़ कर दिया है और धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और आज आने वाली है जी हमारी नई बाइक। अभी मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और ऑफिस पहुँचे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी हमारी नई बाइक आ रही है और कैसी है वो बाइक। चलते हैं ऑफिस और आपको दिखाता हूँ। सो जनाब परिंदों के लिए पानी मैंने रख दिया है, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि गर्मी अब स्टार्ट हो चुकी है, तो आप अपने घर की छत पे कहीं ना कहीं बालकनी के अंदर छत पे या कहीं भी जहाँ पे परिंदों का आना जाना हो वहाँ पे पानी या इस तरह का कुछ भी रखें ताकि गर्मी के जब परिंदे थक जाते हैं उड़ उड़ के तो वो कहीं पानी की तलाश में आते हैं तो उनको पानी मिल जाए। अभी जी मैंने इन ड्राइव ऑर्डर कर दी है और आने वाली है बाइक, उस पर चलते हैं ऑफिस की तरफ क्योंकि आज अपनी बाइक नहीं लेके जा रहा क्योंकि हमने लानी है नई बाइक। तो टाइगर को पार्क कर दिए और इन ड्राइव का इंतज़ार करो, जैसे ही वो पहुंचता फिर ऑफिस की तरफ निकलते हैं। सो जी मैंने हेलमेट पकड़ लिया और इसके अंदर मेरा गोप्रो भी है क्योंकि वापसी पे ये मुझे चाहिए होगा। चले जी अल्लाह का नाम लेकर सफर शुरू करते और पहुंचते हैं ऑफिस। रास्ते में मैंने किसी और के साथ जाना है, हसान साहब आ रहे हैं और उनके साथ गाड़ी पे जाऊंगा। यहाँ से जा रहा हूँ जी मैं पुलिस लाइन के सिग्नल तक इन ड्राइव पे, वहाँ से फिर वो गाड़ी पे उनके साथ ऑफिस निकलूँगा। और बाइक की क्या सीन है, ऑफिस चलते हैं जैसे ही, तो बस पहली फुर्सत में आपको बाइक का दिखाऊंगा। अभी चेक करें, ये चेक करेंगे इस्लामाबाद की जो है ना सेक्टर्स के अंदर भी अब क्या क्या चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं। ये हेलमेट, हेलमेट मैं अभी नहीं पहन रहा अब, यही बात करने के बाइक की तरह थोड़ा सा ट्रैवल है, इसके बाद तो गाड़ी पर बैठ जाना है, तो अभी हेलमेट नहीं पहन रहा। वाह यार बड़े सस्ते में आ गया हूँ मैं, यहाँ तक आने में मैंने दिए थी 120 रुपए अपने घर से यहाँ तक और मैं सब मौजूद हूँ पुलिस लाइन वाले सिग्नल कश्मीर हाईवे पे और बड़ा सस्ता है यार फिट हो गया सीन फिट। सो जनाब अभी सीन ये है ना कि वो सामने आपको नज़र आ रहा है मेट्रो का वो ब्रिज है और मुझे क्रॉस करनी है कश्मीर हाईवे और मुझे कश्मीर हाईवे के उस तरफ जाना था। सो रोड के ऊपर तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि सिग्नल फ्री कर दिया हुआ है ना, तो एक तो बहुत ज़्यादा रिस्की था और वहाँ मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था कि मैं उसको क्रॉस कर सकूँ। तो अभी मैं चल के इधर आया हूँ मेट्रो वाले स्टॉप पे, यहाँ इस पुल के ऊपर से जाके उस तरफ उतरेंगे और कश्मीर हाईवे क्रॉस्ड। एलिवेटर तो जो है वो रुका हुआ है मेरे ख्याल में पता नहीं किस ज़माने का, तो चलते हैं। ये देखें वो ऊपर तक जाना है हमने सही, आज सवेरे सुबह सुबह रोज़े के साथ प्रैक्टिस हो रही है और आज वैसे भी काम बाद में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। चले मॉर्निंग एक्सरसाइज हो गई है ये, अभी भी देखिए इतनी स्टेयर्स रहती हैं। वो आई है जी अभी स्टॉप पे ऑरेंज लाइन ट्रेन, इसका सफ़र कभी नहीं गया यार, किसी दिन यहाँ पे भी आना है। ये देखिए यहाँ स्टॉप पे आ चुकी है और यहाँ से भी ये पैसेंजर्स को ले के तो फिर ये आगे निकलेगी। ये चेक करें गाड़ियों की आप स्पीड देखें और फ्लो देखें ट्रैफिक का कितना ज़्यादा है, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस फ्लो के साथ अगर यहाँ से रोड क्रॉस करके इधर आपको जाना हो और फिर वहाँ से उस तरफ फिर क्रॉस करना हो तो ये कितना डिफ़िकल्ट और कितना रिस्की हो सकता है। सो इसलिए जो है दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, खैरियत है? मैंने
निकला। अच्छा चले जी, फाइनली मुश्किल काम था इस रोड को क्रॉस करना, लेकिन पुल के जरिए जो है इजी हो गया। अभी चलते हैं ऑफिस और बाकी के सीन आपको बताता हूँ। ओके जी, तो सीन कुछ ये था, ऑफिस में पहुंच गया था टाइम से और अभी ये आपको सामने नज़र आ रही हैं, ये बाइक सारी यहाँ पे खड़ी हैं और अभी थोड़ी देर में जो है ना यहाँ पे ये बाइक्स डिस्ट्रीब्यूट्स होंगी डिफरेंट एम्प्लाइज़ को, जिन जिन की ये बाइक्स हैं और हमारा भी इसमें नाम है, तो एक बाइक हमारे हिस्से में भी आने वाली है। कितने में चीज़ें लगा के दे रहे हो निक्सन? कितने में? अच्छा बिलाल भी 300 से लेना, वो कहते हैं मिठाई दो। बिल्कुल मिठाई होती है, हाँ मिठाई होती है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये जी बाइक के बैटरी का पानी साथ दिया है कंपनी ने, ये शीशे हैं और टूल किट है। और यार ये इन्होंने लगा के नहीं दी, 125 के लेके जा रहे हैं। अच्छा उनका है ही 125। ये है जी VIP किस्म का हेलमेट, हम और बाइकर साहब अब ये हेलमेट पहनेंगे बाइक पे। मिक्सर ऊपर ही ले जा, इसनू उत्ते ही ले जा। रखो जी इसके अंदर, पता चले शीशे बच गए हों, बच गए होंगे। ओके जी, स्टोरी ये है कि बाइक मैंने रिसीव कर ली है, जैसे कि मैंने आपको सुबह व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था। अभी यह है कि उसकी कुछ चीज़ें थी जैसे कि मिरर वगैरह और उसके अंदर बैटरी इंस्टॉल करनी है, तो वो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। और इसके अलावा ओवरऑल सीन ये है कि ये बाइक मुझे मिली है जी अली मेडिकल की तरफ से, उनकी एम्प्लॉय फैसिलिटी है और उसमें वो बाइक्स देते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे। सो मैंने कहा कि अब टाइगर को थोड़ी सी देते हैं रेस्ट, क्योंकि काफ़ी अब चीज़ें भी उसकी महंगी हो गई हैं और अब मैं नहीं चाहता कि मैं उसको गैर ज़रूरी चलाऊं डेली इस्तेमाल के लिए। मार्केट से दही लाना है तो जी टाइगर को ले जाओ, ऑफिस आना जाना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप CD70 लेते हैं, इस पर ऑफिस आया जाए करेंगे और टाइगर को हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके सिर्फ टूरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो बाइक अभी रिसीव मैंने कर ली है और निक्सन भाई ऑल गुड। सो अभी ये बाइक के साथ हमें चीज़ें मिली थी जैसे ये शीशे हैं इसके और टूल किट आ गई साथ में। टूल किट में क्या क्या है? पाना आ गया जी 12 और 10 नंबर का, एक स्क्रू ड्राइवर है। गुड हो गया जी, यही दो जी, एक प्लग ओपनर होगा ना, एक प्लग ओपनर बस ठीक हो गया। और ये जी ये बैटरी का पानी है, बिल्कुल बैटरी इसके अंदर है, बैटरी ऑलरेडी लगी है। तो ये चीज़ें जो है कंपनी लगा के साथ नहीं देती, बाद में आती हैं, तो अभी ये इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं और देन वी आर गुड टू गो। निक्सन भाई बहुत ज्यादा प्यार से, ठीक है ये फिकर हो जी। इसको कहाँ पे रखना है? इसको सर पे रख लिवा कहीं रख लिया इधर। अच्छा तो जी ये सीन है कुछ 70 का, यार कितनी खाली। अच्छा ये टूल के लिए, टूल किट के लिए, ओहो मस्त यार मस्त। ये मैं खोल के YBRP लगा दूंगा। इसकी चाबी उन्होंने दी है साथ ही, ठीक हो गया जी, ये जरूरी चीज साथ देती है। बैटरी लगी है, बैटरी ओपन करते हैं, उसके अंदर पानी शानी डालते हैं, इसको लगाते हैं और उसके बाद निक्सन की बाइक से पेट्रोल निकालेंगे थोड़ा सा, ताकि ये बाइक जो है पंप तक चली जाए। सो अभी बताएंगे कंपनी सिर्फ कंपनी पेट्रोल नहीं देती, हाँ ये बात कंपनी पेट्रोल नहीं देती, पेट्रोल अपना अपना। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अभी जी थोड़ा सा पेट्रोल चाहिए बाइक में डालने के लिए ताकि वो पंप तक पहुंच जाए। सो ये जी निक्सन की बाइक और इससे थोड़ा सा भाई हम पेट्रोल निकालेंगे अपनी बाइक में डालने के लिए। ऑयल है निक्सन, ये भी सूखी है, आ रहा है थोड़ा सा पेट्रोल इसमें से निकालते हैं, बस थोड़ा सा हो जाए ताकि पंप तक पहुंच जाए। हाई क्लीन पेट्रोल, ये चार्जर मेरे। अच्छा आपने यहाँ चार्जर लगाया, गुड यार अच्छी चीज है ये, गुड बेहतरीन। ये जी इसने मोबाइल चार्जर लगाया हुआ यहाँ डायरेक्ट बैटरी से टापे के अंदर से सुराख करके, तो ये चार्जर लगा हुआ है। चले जी बिस्मिल्लाह, अभी पहली किक मारते हैं बाइक को, स्टार्ट मारते हैं, हमें आदत है यार स्टार्टर की, किक की आदत बनानी पड़ेगी। बहुत छोटी नहीं लग रही है ना? देखे आप मार भी इसको थोड़ी सी चौक दें। चौक दो? हाँ क्योंकि स्टार्ट है ना बिल्कुल अभी। ओ पेट्रोल तो ये देखे जी अमार भाई पेट्रोल बंद किया हुआ है और किके मार रहे हैं। वो इसका नीचे ऑन होता है ऊपर? ये नीचे यहाँ पे रिजर्व है, ऊपर ऑन होता है, अभी रिजर्व भी लगाएंगे क्योंकि नहीं नीचे ही करेंगे। हाँ यार 10 अब लगाओ
तेरा माने तो आप भी तो पहले ऐसे ही लिटाया हुआ था आपने इसको। वो मैंने तो कहा था कि इस साइड थोड़ा सा वो कार्बोरेटर वाली साइड आ जाए। चौक बंद करते हैं। हाँ चौक बंद करके अब देते हैं जी। माशाल्लाह फर्स्ट किक पे स्टार्ट हुआ है। अब उमार भाई कहेंगे मैं तो होंडा ही लैसा। आपको आदत नहीं है ना यूज नहीं, आपको तो ऐसा लग रहा होगा जैसे साइकिल पे बैठे हुए हो। फाइनली जी अमार भाई ने बाइक स्टार्ट कर ली है। ठीक है अभी इसको इसका क्या नाम रखना है? वो तो टाइगर है ना। चले मैं अभी जी आप लोगों ने जो है ना मुबारकबाद तो कमेंट्स में आपने देनी है, उसके साथ आपने इसका एक नाम भी सजेस्ट करना है क्योंकि विद इन इस्लामाबाद अब छोटी मोटी जो राइड्स होंगी तो इंशाल्लाह हम सिटी 70 पे करेंगे। वैसे 2009 में मैंने जब बाइक टूरिंग स्टार्ट की थी तो मेरे पास उस टाइम सिटी 70 होती थी और उसमें मैंने 4 साल पाकिस्तान के काफ़ी दूर दराज इलाके घूमे। मैं स्कर्दू पर पहला सोलो टूर 70 पे किया था तो एक तरह से दोबारा से मेमरीज रिकॉल हो रही हैं। तो अभी आप लोगों ने मुबारकबाद के साथ साथ जो है ना नाम भी बताना है कि इस बाइक का क्या नाम होना चाहिए। ये जी डल रहा है हमारी बाइक में पहला फ्यूल और अभी इसमें 5 लीटर फ्यूल डलवाते हैं, बाद में फिर जो है देखेंगे क्या करना है। चलें जी ये फर्स्ट फ्यूल है हमारी 70 के अंदर 1364 रुपए का, 5 लीटर का मैंने इसमें फ्यूल डलवाया है 1364 रुपए का और आप मीटर देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो अभी 300 मीटर चली है बाइक जो कि मैं ऑफिस से यहाँ तक लाया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी मैं अब ऑफिस से अपना हेलमेट वगैरह उठा लिया, गोप्रो माउंट कर लिया है और अभी जा रहा हूँ सीधा बाइक पे। वो रही मेरी सामने बाइक और आप लोगों ने इस बाइक का नाम मुझे ज़रूर सजेस्ट करना है क्योंकि बाइक को बाइक कहते हुए मज़ा नहीं आता, तो प्रॉपर एक नाम हो सो दैट आई कैन यूज़ दैट नेम। तो अभी मसला यह है कि इसके साथ क्रैश कार्ड भी नहीं लगा हुआ, पीछे भी कुछ नहीं है, सो मुझे यहीं कहीं पर इसको हैंग करना है। ये देखें समझो दही का थैला लटक गया। खैर ये भी खाने की चीज़ें ही हैं और मैंने ले ली थी तो अब इसको लेके किस तरह जाना खैर है नहीं। हो यहाँ लगा दिया मैंने, इसका लॉक भी इधर है, देखा यहाँ से लॉक खोला, ये चाबी लगाई इधर से खोला, स्टैंड से उतारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं बैठ गया जी इसके ऊपर और अभी सबसे पहले तो किक से और गियर से यूज्ड टू होना पड़ेगा। वाह बड़ी फिट स्टार्ट हुई है भाई। अभी जी ये बाइक की रनिंग में ब्रेक इन पीरियड है इसका तो इसको बड़े एहतियात से चलाऊंगा। सबसे पहले तो मारेंगे जी हम यहाँ से रॉन्ग वे। क्योंकि यू टर्न है काफ़ी लंबा और इतनी गर्मी पड़ रही है ना, इस गर्मी में जो है अभी जल्दी जल्दी, ये देखो ग्लव्स भी नहीं है ना तो हाथ बिल्कुल जला रही है धूप यार। चौथा गियर है और 40 की स्पीड पे बाइक चल रही है और क्योंकि अभी ब्रेक इन पीरियड है रनिंग में बाइक तो बहुत स्मूथली इसको मैं इसका ब्रेक इन जो है पीरियड वो पूरा करूंगा ताकि ये बिल्कुल इसका इंजन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। और खैर फर्स्ट इंप्रेशन है जी 2023 मॉडल की 70 चला के, 2023 में 70 चला के और देखिए कैसा रहता है एक्सपीरियंस। सो फॉर सो गुड, मतलब ये देखिए मैं इतना अजीब सा मुझे बैठ के इस पर फील आ रही है ना बिल्कुल छोटा छोटा और मतलब बाइक से बड़ा मैं लग रहा हूँ। सो एनी हाउ इसको आहिस्ता आहिस्ता राइड्स करेंगे, साथ साथ मैं बताऊँगा कि कैसा एक्सपीरियंस है। Oh, what's the difference between both the bikes, you know? ज़ाहिर सी बात है डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन चूँकि एक बाइकर के लिए एक टूर के लिए जो है वो किस तरह से मैं इसको वो कर रहा हूँ तो इन दैट पॉइंट मैं जो है वो इसका आपको रिव्यू भी दूँगा। चलें जी मैं आ गया हूँ अपने घर और अभी जो है रिकॉर्ड करते हैं बच्चों का फर्स्ट जो है उनके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। आज वो मेरी बाइक का हॉर्न भी नहीं पहचानेंगे। अभी आगे आगे लगता है
हलिये से देखा न्यू बाइक। सो जनाब फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं, बाइक को मैं घर ले आया हूं। बाकी कैसी लगी है? अच्छी लगी है, आपके हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। मैं इस पे बैठ के बहुत ही छोटा लग रहा था। और आप चेक करें यार, ये देखें, ये बाइक चेक करें, टाइगर देखें और साथ टाइगर का बच्चा। इवन टायर्स को अगर देखें ना तो बड़ा फ़र्क है। सो ये देखें, मैंने इसको कवर किया हुआ है, तो अभी हम इसको चलाएँगे और इसको कवर्ड ही रखेंगे ताकि हम इसको टूरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करें। सो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और अभी शावर लेता हूँ और उसके बाद थोड़ी रेस्ट करता हूँ। आज के दिन काफ़ी टायरिंग गुजरा, ऑफिस में काम भी ज़्यादा था, फिर ये बाइक वाला सीन और फिर आज का रोज़ा भी थोड़ा सा मुश्किल है। प्यास लगी है, सो इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जाते जाते आपने कॉमेंट सेक्शन के अंदर इस बाइक का नाम सजेस्ट करना है कि इस बाइक का हम क्या नाम रखें।